आईपीएल सीजन 15 में चार बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स खराब फॉर्म से गुजर रही है। चेन्नई ने खेले अभी तक चारों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम की कमान रविंद्र जडेजा के हाथों में आने के बाद टीम का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वहीं रवि शास्त्री ने चेन्नई की वो बड़ी गलती बताई जिसका खामियाजा फ्रेंचाइजी को अब भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रवि शास्त्री के अनुसार अगर एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने की सोच रहे थे तो फ्रेंचाइजी को फाफ डुप्लेसी को रिलीज नहीं करना चाहिए था और उन्हें कप्तानी सौंपनी चाहिए थी। भारत के पूर्व मुख्य कोच के अनुसार रविंद्र जडेजा को स्वतंत्र रूप से खेलने देने चाहिए था और इस आईपीएल सीजन में चेन्नई के लिए चीज़ें अलग हो सकती थी। आपको बता दें शास्त्री ने ESPN क्रिक इन्फो को T20 टाइम आउट हिंदी में सुपर किंग्स के चौथे मैच में हारने के बाद कहा, मुझे लगता है कि जडेजा जैसे दमदार खिलाड़ी को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। अगर चेन्नई को आगे का सोचना होता तो वो फाफ डुप्लेसी को नहीं छोड़ते। डुप्लेसी एक मैच विजेता है, उसने चेन्नई के साथ IPL जीता है, उसके पास बहुत अनुभव है। दरअसल सुपर किंग्स का नेतृत्व धोनी के बाद जडेजा कर रहे हैं। प्रमुख ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडरों में से एक जडेजा एक भी जीत दिला नहीं पाए हैं और गत IPL चैंपियन को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक कठिन लड़ाई में छोड़ दिया गया। जिस समय धोनी के इस्तीफे की खबर सार्वजनिक हुई उस समय सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथ ने ESPN क्रिक इन्फो को बताया था कि धोनी कप्तानी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और उन्हें लगा कि जडेजा को कप्तानी सौंपने का ये सही समय है। आपको बता दें शास्त्री ने तर्क दिया, अगर धोनी कप्तानी छोड़ने की सोच रहे थे तो फाफ को काम दिया जाना चाहिए था और जडेजा को सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में जारी रखना चाहिए था। वो कप्तानी के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से खेलते थे, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। वैसे भी डुप्लेसी को सुपर किंग्स द्वारा 2022 की नीलामी से पहले रिलीज़ किया गया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा उन्हें खरीदा गया था और उनका कप्तान नियुक्त किया गया था। विराट कोहली ने भी 2021 सीज़न के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। रॉयल चैलेंजर्स ने सीज़न की शुरुआत 4 मैचों में से 3 जीत के साथ की है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।